नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स गाइड पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए आज अहूजा DPA 370 PA मिक्सर एम्पलीफायर। तो दोस्तों, ये छोटा एम्पलीफायर है, इसमें बार बार ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाते हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, ये इसमें 30-55 ट्रांजिस्टर आते हैं, 2N 30-55, ये आपको दिख रहा है जो बेल कंपनी का है। और दोस्तों, इसमें लगे हुए हैं 2N 30-55, ये CDL कंपनी के। तो दोस्तों, ये दोनों भी अच्छी कंपनी है, आप कोई भी लगा सकते हैं, ये बेल वाला भी लगा सकते हैं और ये भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये NPN ट्रांजिस्टर होता है, और ये बार बार ख़राब क्यों हो जाता है, इसलिए मैं आपको बताते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको इसके ऊपर ज़्यादा लोड दे देते हैं तो भी ये ख़राब हो जाता है बार बार, पर आप लोड इस पर कम देते हैं फिर भी ख़राब हो जाता है, वो क्यों होता है इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये NPN 15 एम्पीयर का एक ट्रांजिस्टर होता है। तो दोस्तों, सबके ट्रांजिस्टर के बारे में आपको बताते हैं। ये होता है बेस। दोस्तों, ये ऊपर वाला छोटा वाला भाग इसको ऊपर रखना है ट्रांजिस्टर का, इधर से बड़ा वाला भाग दिख रहा है जिसमें छोटा। तो दोस्तों, ऊपर की ओर आप चेक करते समय ऊपर की ऊपर रखना है, तो ये होता है बेस, और ये वाला सिल्वर होता है, ये कलेक्टर, और ये होता है एमिटर। तो ऐसे आप करके देख सकते हैं, जैसे छोटे वाला भाग इधर की ओर रहता है तो बेस नीचे हो दिया हुआ है, तो बेस पे 5 वोल्ट आना चाहिए, 5.1 या 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पर ज़्यादा वोल्ट आएंगे तो ये ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ मीटर से चेक करके। दोस्तों, मीटर को अब आप DC वोल्ट 20 वोल्ट पे करना है, या अगर 20 मीटर अलग तरह के मीटर होते हैं, इसे कम से कम वोल्ट होते हैं 5 से ज़्यादा या 10 वोल्ट या 20 वोल्ट पे करना है। 200 वोल्ट पर आप करेंगे तो ये पॉइंट नहीं दिखाएगा आपको, वन जैसे 5 वोल्ट के ऊपर पॉइंट होते हैं वह कम वोल्ट में दिखाते हैं, ऐसे 20 वोल्ट अब चेक करना है। तो दोस्तों, अभी ये ओवन है, इसके दिक्कत है, ये काला वाला पिन को अर्थ में लगाना, कहीं भी अर्थ में लगा सकते हैं, कैपेसिटर के अर्थ पे या बॉडी अर्थ पे भी लगा सकते हैं, कैबिनेट के अर्थ पर या दिया हुआ है यहाँ पर। फिर दोस्तों, आप इसको बेस पे चेक करना, यहाँ बेस का वायर ये यहाँ पे जाता है, नीचे ट्रांजिस्टर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें बेस में आ रहे हैं 5.8, तो दोस्तों यहाँ 5.1 करना है, जैसे आपको करके दिखाते हैं प्रीसेट को। दोस्तों, ये प्रीसेट है, ये 7 हो गए हैं, पाँच पॉइंट वन कर दिए हैं, तो ये ट्रांजिस्टर गर्म नहीं होंगे तो ये सेट कर सकते हैं। अगर प्रीसेट काम नहीं करते, इसको प्रीसेट को बदलें, आप बदल के भी देख सकते हैं, या ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकते हैं, या डायोड इसको चेक करना हो या ख़राब हो जाते हैं, या 18-15 ट्रांजिस्टर होते हैं, और ये ट्रांजिस्टर होते हैं C004, ये इसको भी आप चेक कर लें, बाहर निकाल के चेक करना होता, सही चेक करना होता। और दोस्तों, वोल्ट यहाँ पर इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए, चेक कर सकते हैं। और इस ट्रांजिस्टर पर जो ट्रांजिस्टर होता है 30-55, इस पर वोल्ट कहाँ पर आता है ये भी हम आपको दिखा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 12 वोल्ट आना चाहिए, 12 या 15 वोल्ट तक आ सकते हैं, इन्वर्टर से 12 वोल्ट के थोड़ा ऊपर आता है या 15 वोल्ट तक आ सकते हैं, क्योंकि ये सब पावर सप्लाई होती है। दोस्तों, दो तरह की पावर सप्लाई हमने पिछले कई वीडियो में हमारे दिखाए हुए हैं, यह अनलिमिटेड दो तरह की सप्लाई होती है, अनरेगुलेट सप्लाई होती है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर की, और रेगुलेट सप्लाई होती है जो SMPS की होती है। और जब मैं ज़्यादातर अनरेगुलेट सप्लाई पावर सप्लाई होती है, तो ये कैपेसिटर से ही रेगुलेट होता थोड़ा नॉर्मल, तो आप यहाँ पर वोल्ट कम ज़्यादा ही आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कलेक्टर पर ट्रांसफर कलेक्टर पर यहाँ 12.7 वोल्ट आ रहे हैं, और इन्वर्टर से 12.7 वोल्ट आ रहे हैं, अभी वोल्ट लाइट होती है तो ज़्यादा भी आ सकते हैं, ये अनरेगुलेट पावर सप्लाई होती है। तो दोस्तों, इसे ये इसमें डिस्प्ले आ रही है, अगर डिस्प्ले नहीं आती तो ये कार्ड को चेंज कर देंगे, यहाँ पर 5 वोल्ट इनको मिलना चाहिए, ये कार्ड लगा हुआ है USB कार्ड, इसको 5 वोल्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये 5 वोल्ट शो कर रहे हैं 4.9, तो आप ऐसे वोल्ट चेक कर सकते हैं। ये 8805 ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, इनसे यहाँ पर 12 वोल्ट आना चाहिए इस पोल पर, और इस पोल पर आना चाहिए 5 वोल्ट, तो ऐसे पावर सप्लाई आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये ड्राइवर बोर्ड है, यहाँ पर सेक्शन ड्राइवर सेक्शन है, ये वाला ये पावर सप्लाई का, और ये वाला 5 वोल्ट पावर सप्लाई जो इस कार्ड के लिए होती है, और ये दोस्तों होता है जब माइक के लिए होते हैं, पावर माइक का बोर्ड है ये,
इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं, कम से कम आती है, ऐसे कोई खराब होने का चांस नहीं रहता है। तो दोस्तों, हमारे इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।